अगले कॉलर जहिन। हाँ बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ओ मैं प्रवीण चंद बोल रहा हूँ। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रवीण चंद बोल रहा हूँ। ये दवाइयों में हम बोलना चाहते हैं कि दवाइयाँ आज की डेट में सारी इंग्लिश में होती है, हिंदी में कुछ दवाइयों के नाम ही नहीं होते, जिससे कि रोगी अपना समझ नहीं पाता कि हिंदी में क्या क्या दवाइयाँ ले पाए, उसको पहले हिंदी में समझना पड़ता है और उसके कारण बहुत तकलीफ होती है। धन्यवाद। ये तो लगता है कि आज सारा हिंदी की दिशा में ही विषय जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जब जिस दुनिया की इतने करोड़ लोग जिस भाषा को जानते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर ये मांग है तो हम अलग से स्पेशल इस विषय पर भी कार्यक्रम करेंगे। कई कॉलर और भी अपनी बात को रखना चाहते, उनके पास चलते हैं। जय हिंद बोलिए। जय हिंद। और मैं अपनी भावनाओं के साथ कहना चाहता हूँ कि आज हमारे अदालतों में और हर जगह पर हिंदी भाषा का नियमित उपयोग नहीं हो रहा, जिसके नाते से हमारी बहुत सी चीजें पिछड़ती जा रही हैं। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि अदालतों और जो अन्य जगह हैं वहां पर हिंदी भाषा को समुचित उपयोग में लाना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद बोलिए। सर क्या था, हमारा एक ट्रक चोरी हुआ था सन 2007 में। हाँ। तो हमने वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की बात के लिए वो डाला था। हाँ। अपना जिला फोरम में, तो वहाँ तो हम केस जीत गए। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी ने ये हरियाणा हाईकोर्ट में वो अपील कर दी। तो वहाँ हम हार गए थे। तो हमारा जो वकील है वो उसने हमारे को बताया नहीं भाई, वहाँ हाई कोर्ट में आप जो है कि हार गए, और नहीं उसने हमारे को वो कोर्ट का वो दिया। तो बाद में जब हमारे पता चला तो हम उसके वकील के पीछे पड़ के वो कागज लेके नेशनल कमीशन में हमने डाला वो। तो नेशनल कमीशन ने हमारे को मना कर दिया, बोला तुम लेट हो गए, 180 दिन हो गए। तो सर इसमें हमारी क्या गलती है, हमें पता ही नहीं चला। तो बिल्कुल यही तो बात हम कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आज जो पीड़ित है, जो खुद इसके भोगी है, वही का सामने आकर अपनी बात को रख रहे हैं, जिससे कि इसकी गंभीरता ज्यादा सामने आ रही है। अगले कॉलर जहीन। हाँ सर नमस्कार। सर बोलिए। हमारे देश में सर हिंदी भाषा का बहुत कम उपयोग हो रहा है। हाँ। और ज्यादातर गवर्नमेंट विभागों में इसका बहुत कम यूज होता है। हेलो धन्यवाद। सरकारी विभाग ही जब इस विषय पर पिछड़े हुए हैं, जब सरकारी विभाग ही हिंदी सप्ताह मनाने के लिए कहते हैं कि हिंदी वीक चल रहा है, तो वहां पर हिंदी का क्या होगा, हम समझ सकते हैं। अगले कॉलर जय हिंद। जय हिंद भाई जी बोलिए। देखिए जनाब, कोई भी सभ्य देश किसी विदेशी भाषा में न्याय नहीं देता है अपने नागरिकों को। हाँ। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो मसला, भाई श्याम रुद्र पाठक जी सोनिया गांधी जी के घर के बाहर और दफ्तर के बाहर 6 महीने से बैठे हुए हैं, तो सरकार तो असंवेदनशील है। लेकिन मैं भारतीय नागरिकों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारी जो माँ है, हमारी मातृभाषा हिंदी, उसको एक उच्च स्थान प्रदान करें। और इस विदेशी भाषा को जैसे अंग्रेजों को हमने विदा किया था अपने देश से, उसी प्रकार हम इस अंग्रेजियत को भी विदा करना होगा। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई जी, क्या सुन रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल प्रदीप जी बोलते रहिए आप। एक चीज और मैं जो बताना चाहता हूँ कि ये जो न्याय की जो व्यवस्था हमारे सुप्रीम कोर्ट में है, अभी 4 हमारे उच्च न्यायालय हैं जहाँ पे ये व्यवस्था अभी हुई है कि जो हिंदी में न्याय मिल सकता है। तो हम मैं मांग कर रहा हूँ सभी जो भी हिंदी भाषी हैं, या हमारे जो बंगाल में बंगला बोली जाती है, तमिल मद्रास में तमिल भाषा है, तो उनकी भारतीय भाषाओं में न्याय की व्यवस्था हो, जिससे सभी हमारे मुकदमे जो चल रहे हैं, आज 3.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं, और ये बहुत ही गंभीर विषय है, जो कि मैकाले का जो प्रयास था आज हमारे सामने है। और इस विचार को हम श्याम रुद्र पाठक जी को मदद करके, बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी श्याम रुद्र पाठक जी की भी प्रतिक्रिया थोड़ी देर में सुनेंगे, पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जहिन। जहिन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के सारे कायदे कानून इंग्लिश में ही है, तो इसलिए और देश के लोगों को इंग्लिश समझने में काफी परेशानी होती है, तो पहले ये इंग्लिश के कायदे कानून हटाने चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर जहीन। मेरा नाम विकास है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। अगर दो वकील आपस में बहस करते हैं या जज के साथ बहस करते हैं, अगर वो हिंदी भाषा में हो जाए,
तो उनके जो जिन दो वकील उनका केस लड़ रहे हैं उनको आसानी हो जाएगी हिंदी में, तो आपस में समाधान भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलने की वजह से वो केस 17-17 साल लंबे चले जाते हैं। बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए जी। ये मैं एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देना चाहता था। हाँ, आंध्र प्रदेश में ये जो तेलंगाना का जो चीज हो रहा है, इसके आड़े में ये पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ जो बिजनेस पीपल हैं, इसका फायदा उठा के इन लोग दूसरे व्हाट यू कॉल बिजनेसेस को बंद कर रहे हैं और अपने अपने जो स्वार्थ के बिजनेसेस है वो खोल रहे हैं। धन्यवाद। हम इस विषय पर भी अलग से कार्यक्रम करेंगे, लेकिन आज हमारा जो विषय है, कृपया इसी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्याम रुद्र पाठक, ये क्या प्रतिक्रिया वीडियो में देते हैं या आपके सामने दिखाते हैं? हम जो मांग कर रहे हैं इसमें संसाधन का एक पैसा खर्च नहीं होना है, बल्कि संसाधन की और बचत है। बाकी जितने भी आप मुद्दा उठाएंगे, हर जगह संसाधन की समस्या आती है। ये भाषा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि संसाधन की कोई समस्या नहीं है। अभी क्या होता है कि जब जिला न्यायालय से कोई मुकदमा जाता है उच्च न्यायालय में, मान लीजिए कर्नाटक में अगर जिला न्यायालय से उच्च जाएगा, तो वहाँ सारे दस्तावेज और निर्णय कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद करने पड़ते हैं, उसमें संवर्धन की बर्बादी होती है। जो हम बोल रहे हैं कि हर राज्य में कम से कम एक एक भारतीय भाषा कर दी जाए हर उच्च न्यायालय में, तो ये समस्या उच्च न्यायालय तक खत्म हो जाएगी। ये श्याम रुद्र पाठक जी, बीते कई दिनों से, जैसे कि उन्होंने कहा, सैकड़ों दिनों से ये कांग्रेस मुख्यालय के सामने बैठे हैं। हमने जब इस विषय पर कार्यक्रम करने के लिए कहा तो कई लोगों ने कहा कि क्या आप एक आदमी इस विषय के लिए आंदोलन कर रहा है और उसके लिए आप आवाज उठाएंगे? हमने कहा एक व्यक्ति का विषय नहीं है, 100 करोड़ लोग हिंदी को जानते हैं, और भले एक व्यक्ति आंदोलन कर रहा है वो 100 करोड़ लोगों को बताए कि एक व्यक्ति इस विषय के लिए आंदोलन कर रहा है, इसको आपने ताकत देने की जरूरत है। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। सर मैं तो ये चाहता हूँ कि देश में जो है अंग्रेजी खत्म हो जाए, और इसके लिए तो जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है दो ही आदमी, एक है जो है जिन्होंने संविधान लिखा था और दूसरे जो है ये जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इन लोगों ने जो उनके साथ समझौता किया था तो ये संविधान में लिखा हुआ है, इसीलिए ये सब हो रहा है कि अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हिंदी को दिन ब दिन जो है घटाते जा रहे हैं। एक समय आएगा कि हिंदी खत्म हो जाएगी और अंग्रेजी ही अंग्रेजी रहेगी इस देश में। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित है, मैं हरियाणा के रोहतक के गांव क्लाउड से बोल रहा हूँ। मेरे मामा जी दिल्ली में, उनकी जमीन ली गई थी जो आज करोड़ों की कीमत है, वो सिर्फ 17 लाख रुपए में ले ली गई थी, और उसका केस भी मेरे पिताजी ने ही लड़ा था, वो 5-6 साल चला, उसके हिंदी कम्युनिकेशन हो नहीं पाता, इसलिए वकीलों ने वो कर लिया और उसको छोड़ना ही पड़ा, वो जमीन वो सारी चली ही गई है, और मेरे मामा का गाँव कंजावला है दिल्ली में। ये आप बीती बताने वाले भुक्त भोगी। और एक कॉलर आपके सामने लेकर आए, हम आपको परिणाम के साथ अब उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं इसके लिए। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया क्षेत्रीय भाषाओं में हो, न्यायिक फैसलों में हिंदी के प्रयोग पर बल दिया जाए, ऐसे में भारतीय भाषाओं का प्रयोग अपने आप शुरू हो जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यवाही करने को सख्त नियम लागू हो। कई बार न्यायिक प्रक्रियाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई सर्कुलर जारी हुए, समितियां बनी, लेकिन ये सारी कार्यवाही कागजों तक ही सीमित रही। ऐसे में जरूरत है सख्त नियम बनाने की। भारतीय दैनिक जीवन में भी अंग्रेजी की बजाय अपनी भाषाओं को तरजीह दें। हम ना तो ये कह रहे हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ना और सीखना बंद कर दें, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप अंग्रेजी ज्ञान के सहारे ही एक महान हस्ती नहीं बन सकते। वैसे हमारे यहाँ कई ऐसे लेखक हैं जो अपने अंग्रेजी ज्ञान को इसलिए झाड़ते हैं क्योंकि उन्हें पश्चिमी देशों से पुरस्कार लेने होते हैं। ये लेखक और जानकार ना तो भारतीयता को जानते हैं और ना भारतीय समाज को। अरुंधति राय जैसे लेखक भी इनमें शामिल हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करते हैं। भारतीय समाज शास्त्री आगे आकर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दें। वैसे तो कई छोटे छोटे संगठन भारतीय भाषाओं को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, मगर उनकी सुनता कौन है? भारतीय नेता क्षेत्रीय भाषाओं के लिए आगे आए। नेता वोट बैंक के लिए क्षेत्रीयता की बात करके खूब क्षेत्रवाद का मुद्दा उछालते हैं, लेकिन कभी ना तो ये नेता अपने व्यवहार में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देते हैं और ना ही अपने परिवार में।
कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हम ये मतलब बोलना चाहते हैं कि हेलो। ये बोलना चाहते हैं कि हमारे देश का जैसे कि हिंदी का महत्व जैसे कि कब बढ़ेगा। धन्यवाद। हमने आज आपके सामने कार्यक्रम लाया। कार्यक्रम लाने का उद्देश्य यह था कि हिंदी ना समझने के कारण या जो अपनी भाषा है, स्थानीय भाषा है, उन भाषाओं को न्यायालय में जगह न होने के कारण कितना बड़ा अन्याय होता है। यह आंकड़ा करीब करीब 50 देशों के आबादी के बराबर का है। इस देश में 43% वकील ऐसे है जिनके पास इतना समय ही नहीं कि वो अपने मोकिल की क्या समस्या है इसको पूरा ठीक से समझ सके। 63% जो दावे खारिज होते हैं या विपक्ष के पक्ष में जाते हैं वो केवल इसलिए जाते हैं क्योंकि उसका वकील उसकी बात को पूरी तरीके से रख नहीं पाया। और इस देश में 83% ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता कि हमारे वकील ने हमारे लिए जज के साथ क्या बात की। वकील झूठ बोले या सच, इस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और कई बार तो दो वकील, विपक्ष और पक्ष के वकील, आपस में बात करके मैटर को सलटा लेते हैं, अपनी दोनों की तोड़ पानी कर लेते हैं और व्यक्ति जो इसका पीड़ित है वो खुद क्या होता है। आपने आज के बिंदास में कई पीड़ितों को खुद कॉल करते हुए देखा। इतना बड़ा खंड प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के कई देशों के बराबर है। हमारे एक एक राज्य की आबादी इतनी है जितनी यूरोप में एक देश की नहीं है, कई देशों के मिलाकर उतनी बनती है। वहां पर अगर स्थानीय भाषा बोली जा सकती है, चीन इतना बड़ा देश अगर स्थानीय भाषा को महत्व देता है, रशिया इतना बड़ा देश अगर स्थानीय भाषा को महत्व देता है, यूरोप जो कि इतना विकसित माना जाता है वहां पर अंग्रेजी ना बोलने वाले की आबादी 4 गुना से भी ज्यादा आबादी के अनुपात में मानी जाती है, अर्थात 75%। क्या हम अपने यहां पर ये न्यूनगंड कब तोड़ पाएंगे कि अंग्रेजी ही सब न्याय या अच्छाई देने वाली भाषा है। मुझे लगता है कि इस विषय में अपनी भाषा से बड़े बनने वाले लोगों को आगे आकर कुछ करना चाहिए। इसलिए अकेले एक व्यक्ति ने किसी पर किसी जगह पर बैठकर आंदोलन करने से बात नहीं जनेगी। इसलिए हम सब ने मिलकर अपने राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को इस विषय के लिए दबाव बनाना भी उतना ही जरूरी है। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से हम देश में खास करके न्यायालय में हिंदी की मांग उठाने में एक कदम आगे बढ़े होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।